बांग्लादेश के जो लोग हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, यू लव देम और यू हेट देम? वी लव देम ऑफ कोर्स। बांग्लादेश यही कहना चाहेंगे कि हमारे भाई हैं, पार्टीशन चले, अपना मुल्क है, आज़ादी हर एक का हक है, लेकिन हमारे भाई हैं, हम भाइयों की तरह रहना चाहिए। मैं गया था ढाका में, ढाका इज़ वेरी नाइस कंट्री और ये लोग अच्छे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है, आप देखें, मैं आपको बताऊं, दुनिया की सबसे जो टॉप की मार्क हैं, जैसे आप कहते हैं नाइक कह लें, आदिदास कह लें, और बड़े बड़े मार्क, पियर गार्डन फ्रांस का, ये सारे ब्रांड जो हैं सारे आपके ये बांग्लादेश में बन रहे हैं। ये लोग ना चोरी करते हैं, ना किसी से नफरत करते हैं, ना ये नफरत को फैलाते हैं, लेकिन हम मुसलमान होते हुए पाकिस्तानी अगर इनको इनसे नफरत करते हैं तो ये हमारी गलतफहमी है। व्हाट्स अप गाइस, अस्सलाम वालेकुम, अपना रा कैमन आसिन, आशा कुरेशी भाई बालो आसिन, आमी जुनेद, अपना रा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल, आमी अपना दर जुनू आक्टी वीडियो प्ले करती जर्ची शवाई देखबिन, आशा कुरेशी भाई देखबिन, बालो लगबे। आज बात करने वाले हैं, डू पाकिस्तानी पब्लिक लव और हेट बांग्लादेश, पाकिस्तानी बांग्लादेश से मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं? ये बहुत बात की जाती है कि बांग्लादेश से कि पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को बहुत नीचा समझते हैं, बहुत नफरत करते हैं। आज इसी हवाले से वीडियो है, पब्लिक रिएक्शन है, इसमें दिखाया जाएगा कि पाकिस्तानी बांग्लादेशियों से, बांग्लादेश से मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं। आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, है वी गो। फिर लेकिन नफरत करना, नफरत फैलाना किसको भी मजहब नहीं, सख्त है, सख्त जुर्म है, इसकी सजा है, अल्लाह ताला को नापसंद है और मुझे खासकर पसंद बिल्कुल नहीं है। और जो नफरत को फैलाना चाहते हैं उसके मैं बरखिलाफ हूँ, उनको कहूँगा तुम्हारे पे लानत है सब पे। अस्सलाम वालेकुम, फोकस एंटरटेनमेंट टेलीविजन की तरफ से मैं हूँ आपकी होस्ट सारिका शाहिद। आज का हमारा टॉपिक ये है कि पाकिस्तानी लोग और बांग्लादेशी लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं या नफरत करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ को बर वक्त देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बांग्लादेश के जो लोग हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, यू लव देम और यू हेट देम? वी लव देम ऑफ कोर्स, देयर इज नो रीज़न। व्हाट इज द रीज़न फॉर लविंग देम? दे वर अ पार्ट ऑफ अस बिफोर, सो वैसे कोई रीज़न तो नहीं है हेट करने की। क्या मतलब आपको लगता है कि बांग्लादेश को सिर्फ इसलिए प्यार करना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है, और उधर और भी जो दूसरे मजाहब के लोग रहते हैं, क्या वो प्यार के लायक नहीं है? या मतलब ये क्या सोच है लोगों की कि वो भी मुस्लिम कंट्री और हम भी, तो सिर्फ वहाँ पे और भी तो लोग हैं जो अलग अलग मजाहब के हैं, तो क्या आप सिर्फ स्पेसिफ़िकली बांग्लादेशी मुसलमानों से प्यार करते हैं या इंसानियत के नाते से आप और बाकी मजाहब के लोगों से भी प्यार करते हैं? क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप? नहीं देखें, आपने ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस्लाम हमें यही, हमारी जो बेसिक्स हैं वो इस्लाम है। जब हम इस चीज़ को देखेंगे कि किसी को अच्छा जाने या किसी को बुरा जाने, तो इस्लाम का कहता है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। जो हक मुसलमान को है वही हक माइनॉरिटीज़ को है। हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो अपनी इबादत नहीं कर सकते हैं या वो अपने माशरे में, हमारे माशरे में वो रह नहीं सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। हम उन्हें बिल्कुल भी जो है हम खुले दिल से तस्लीम करते हैं। हम उन लोगों को भी है कि बांग्लादेशी लोगों से पाकिस्तानी लोग इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेशी भी मुस्लिम है, हालाँकि उन्होंने उधर और भी बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं जैसे कि पाकिस्तान। हाँ ये देखिए, दिस इज नॉट द ओनली रीजन टू लव देम। यू आस्क मी वेरी गुड क्वेश्चंस, आई कैन रिप्लाई यू एज सून एज बस वेरी सून। देखें, वो एक मुसलमान कंट्री है, हम हमारे पाकिस्तान भी तो हम मुसलमान हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हम 100% मुसलमान इधर रहते हैं। यहाँ पे कैथलिक भी हैं, यहाँ पे आई एम कैथलिक, हाँ जी, यहाँ पे कैथलिक भी हैं और यहाँ पे ये हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, लेकिन सबको अपने मज़हब की अख्तियार आते हैं। सब जो जिसका चाहे वो चर्च में चला जाए, जिसका चाहे वो मंदिर में चला जाए, जिसका चाहे वो मस्जिद में चला जाए, ठीक है, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। देखिए मैं ये समझती हूँ, लेकिन क्रिश्चियनों में, मैं खुद फ्रांस में रहा हूँ, मैं 45 साल फ्रांस में रहा हूँ, मैं रिटायर हूँ पेरिस से, मैंने बड़ी अच्छी पोस्टों पे काम किया है। क्रिश्चनों से भी एक मुसलमान, मेरी जो बेगम है, स्पेशली माई सेल्फ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने एक क्रिश्चियन लड़की और से फ्रेंच है, शी वाज क्रिश्चियन, उससे मैंने शादी की, ठीक है। पाकिस्तानी होने के नाते से आप बांग्लादेश से प्यार करते हैं या नफरत करते हैं? एक हवाले से अगर हम कहें तो प्यार तो हमारा बनता है क्योंकि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, और इस्लाम कहता है कि भाईचारा जो है वो हर जगह पे, और हर जो भी मुसलमान है वो हमारे भाई हैं। तो बीइंग पाकिस्तानी है, बांग्लादेश से प्यार करते हैं नफरत करते हैं? प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो भी ह्यूमन है, हमारी तरह इंसान है,
बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनसे प्यार करने की सिर्फ ये वजह है कि वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान में भी और अलग अलग मज़ाहिब के और भी बहुत सारे लोग हैं, और इसी तरह बांग्लादेश में और बाकी सब कंट्रीज़ में भी। तो क्या यही एक रीज़न होना चाहिए सिर्फ उनसे प्यार करने का कि दे आर मुस्लिम्स एंड वी आर मुस्लिम्स एज़ वेल? पहली बात तो ये, मुस्लिम हो चाहे कोई हिंदू, इंसानियत पहली होनी चाहिए। तो बांग्लादेश में तो 50% हिंदू हैं, तो 50% मेरे ख्याल में मुस्लिम हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन ये है इंसानियत, इंसानियत। हाँ, सारे बांग्लादेशियों से आप मतलब हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। बीइंग अ पाकिस्तानी, यू लव बांग्लादेशी पीपल और यू हेट देम? हाँ, देखें, बांग्लादेश को तो हम पसंद करते हैं, इसलिए एक तो ये मुसलमान कंट्री है, एक फिर ये पाकिस्तान का पार्ट रहा है हमारे पास, ठीक है। पाकिस्तान का एक हिस्सा था मशरकी पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद ये अलहदा हो गए, अलहदा होने से डजंट मैटर, कुछ नहीं होता। लेकिन हम बांग्लादेशी वालों से एज ए मुस्लिम बहुत प्यार करते हैं, और इसके अलावा जितने इंडिया में हमारे मुसलमान हैं, कश्मीर भाई हो गए, मुसलमान दूसरे हो गए इन एंड अदर कंट्रीज़ इन यूरोप एंड अमेरिकन, वट एवर यू कैन सी, वी लव ऑल मुस्लिम पीपल। इवन क्रिश्चियन जो हैं वो भी अल्लाह की ज़ात पर के मखलूकात हैं, ठीक है। हम उनको भी प्यार करते हैं, ठीक है। देखें, खुदा ताला ने सबको, मखलूकात को एक जैसा पैदा किया है। किसी के तीन हाथ बनाए हो तो बता दें, दो आंखें बनाई हैं, हर चीज़ दो कायनात पे ख़त्म करती हैं। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ही दिल दिया है, दो दिल क्यों नहीं दिए? इसलिए कि एक दिल पर रहम आ जाए, दूसरा सख्त ना हो जाए, उसको इतना नरम कर दिया। तो इसके बारे में नफ़रत करना एक कबीरा गुनाह में भी है, और ये अच्छा भी नहीं है, बल्कि मखलूक़ात से प्यार करें जितना आप कर सकते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? बस यही कि डोंट स्प्रेड हेट, और सब लोग आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें। इसके बारे में, बीइंग अ पाकिस्तानी, यू लव बांग्लादेशी और यू हेट देम? प्यार करते हैं जिनसे। उसका क्या रीज़न? रीज़न तो यही है कि मतलब एक तो मुसलमान नहीं, मुसलमान होने के नाते भी और इंसानियत के नाते भी। और कोई बांग्लादेशियों के लिए आप एक मैसेज देना चाहेंगे? बांग्लादेशी यही कहना चाहेंगे कि हमारे भाई हैं, पार्टीशन चले, अपना मुल्क है, आज़ादी हर एक का हक है, लेकिन हमारे भाई हैं, हम भाइयों की तरह रहना चाहिए। और बल्कि भारत को भी यही मैसेज है कि हमारे साथ भाइयों के साथ दोस्ती की तरह रहना चाहिए। कोई एक मैसेज बांग्लादेशी लोगों के लिए? बांग्लादेशी के लिए मेरा ये मैसेज है कि ये अच्छे लोग हैं, ये माशाल्लाह बड़ी मच्छी और वाइट चावल खाते हैं। मैं गया था ढाका में, ढाका इज़ वेरी नाइस कंट्री, और ये लोग अच्छे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है, आप देखें, मैं आपको बताऊं, दुनिया की सबसे जो टॉप की मार्क हैं, जैसे आप कहते हैं नाइक कह लें, आदिदास कह लें, और बड़े बड़े मार्क पियर कार्डन फ्रांस का, ये सारे ब्रांड जो हैं सारे आपके ये बांग्लादेश में बन रहे हैं। ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि ये मैंने मस्कत भी इनसे मिला हूँ, मैंने पेरिस भी इनसे मिला हूँ, और दुबई भी मैं मिला हूँ, लंदन में भी मिला हूँ। ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं, जो लोग मेहनत करता है उसको मैं प्यार करता हूँ, उसको प्यार करना भी चाहिए। ये लोग ना चोरी करते हैं, ना किसी नफरत करते हैं, ना ये नफरत को फैलाते हैं। लेकिन हम मुसलमान होते हुए पाकिस्तानी अगर इनको, इनसे नफरत करते हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है। आप ये समझते कि सिर्फ यही एक रीज़न है कि हम मुसलमान हैं और वो भी मुसलमान हैं, तो इसलिए उनसे प्यार करना चाहिए? अगर ऐसा ना हो, अगर उधर और भी अकलियतें भी हैं और भी मज़हब के मज़ाहिब के लोग हैं, क्या आप उनसे नफरत करते हैं? बांग्लादेशियों से जो प्यार करने की जो बात है ना, वो बहसीत मुसलमान होने के बाइस में, बजाद खुद में मुसलमान होने की वजह से उनसे प्यार करता हूँ। चलिए, कोई मैसेज दे दें बांग्लादेशियों के लिए। वी लव यू बंगालीस। फ्रांस दुपी 1974 ये रस्ते पागी करण सेंका अलोमासी हो त्रैत लबा, ये दूफी लबा मफी ए मफाम इलसों लबा पस के मासी ब्लोके इसी कोस दुला कोवेद दिस नेफ सीनो ये वे वो पागी मायम बको पागी ओ, ओ, उसी पाकिस्तान पस के मत दुरुजिंग दु पाकिस्तान ये आई लव पाकिस्तान, I love Pakistan land, I love Pakistani people, I love Pakistani food, I love Pakistani cultural, I love Pakistani all people around to me. Thank you very much. तो जी, ये थी वीडियो। काफ़ी मोहब्बत दिखाई गई है, काफ़ी प्यार का इजहार किया गया है कि पाकिस्तानी सिर्फ इसलिए बांग्लादेश से मोहब्बत नहीं करते कि वो सिर्फ मुसलमान है, बल्कि दूसरी जो भी मज़हब के लोग हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, और फिर इससे बढ़कर इंसानियत होने के नाते भी बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तानी। आइए, पैगाम है पाकिस्तानियों की तरफ से बांग्लादेश की तरफ, और आइए बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी बांग्लादेशियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारा मज़हब सबसे पहले ये इजाज़त देता है कि आप मुसलमानों से मोहब्बत करें। हमारा मज़हब ये कहता है
कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। हमारा मजहब ये कहता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो उनसे भी मोहब्बत करें, उनकी भी रिस्पेक्ट करें। तो ये हो ही नहीं सकता कि बांग्लादेशियों से मोहब्बत ना हो। तो ये इजहार है पाकिस्तानियों की तरफ से बांग्लादेशी भाइयों के लिए, और ये आज साबित करता है कि पाकिस्तानी अपने भाइयों से, अपने मुसलमान भाइयों से, अपने बांग्लादेशी भाइयों से बहुत हद तक मोहब्बत करते हैं। और ये पैगाम है अपने भाइयों के लिए, उन बांग्लादेशी भाइयों के लिए जो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी बांग्लादेशियों से मोहब्बत नहीं करते, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी बांग्लादेशियों से नफरत करते हैं। तो आज की वीडियो ये पैगाम है बांग्लादेशी भाइयों के लिए कि पाकिस्तानी आपकी उतनी इज्जत करते हैं जितनी अपने पाकिस्तानी भाई की, इसी तरह आपको भी अपना भाई समझते हैं जिस तरह पाकिस्तानियों को अपना भाई समझते हैं। तो ये पैगाम है बांग्लादेश के लिए। आपका क्या पैगाम है, आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए नफरत करते हैं या मोहब्बत करते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।